वाले हैं बैगन की ऐसी सब्जी जो कि आपने आज तक कभी भी नहीं खाई होगी। ये हमने ले रखी है मिर्ची, धनिया, लहसुन और प्याज। ये हमारे पास है टमाटर। ये हमने ले रखे हैं बैगन काट के। और ये है हमारे पास धनिया भून के दरदरा कूटा हुआ। और ये हमारे पास सौंफ दरदरी कूटी हुई। और ये है हमारे पास हल्दी, धनिया, गर्म मसाले का एक मिक्सचर जिसमें कि हमने पहले से पानी डाल के 10 मिनट के लिए गला के रखा था। और ये है हमारे पास आलू। क्या है और इसमें जीरा और मिर्च डाल दिए हैं। अब इसे हम हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची। अब हमें इसे अच्छे से गर्म तेल में भूनना है। अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर। सारे सामान डालने के बाद हमें इसमें ऐड करने हैं सौंफ और धनिया। अब हमें ये मसाले डालने के बाद लो फ्लेम पे इस ये मसाले का मिक्सचर डालने के बाद इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाना है। तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बैंगन। और आलू। अब हम इसे जरा अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मसाला पूरा मिक्स हो जाए। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक कर पकने के लिए रख देंगे। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर चलाते रहना ताकि ये तली ना पकड़ ले। सब्जी तैयार है। बहुत अच्छी दिख रही है। बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। अब हमारी ये सब्जी हमने सर्व कर ली है। अब हम इस पर धनिया डालेंगे। ऊपर से धनिया डालने से काफ़ी अच्छा फ्रेश फ्लेवर आता है।